हेलो गाइस, आज हम एनालाइज कर रहे हैं जेम्स एंडरसन का बॉलिंग एक्शन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जेम्स एंडरसन का रनअप काफ़ी छोटा रहता है। इनका रनअप केवल 15 कदमों का ही है। जब जेम्स एंडरसन नए आए थे तो उनका फोकस तेज भागकर बैट्समैन को अपनी स्पीड से बीट कराने में रहता था। बाद में उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पहचान कर स्विंग की कला पर ज़्यादा ध्यान दिया। एंडरसन अपना लोडअप बॉडी के बिल्कुल करीब रखते हैं, ना बॉडी के आगे और ना ही पीछे। एंडरसन ने अपना लोडअप पहले से थोड़ा बदला है। बस अंतर यही है कि पहले ये अपने बॉलिंग आर्म शोल्डर के नीचे रखते थे और बाद में उन्होंने इसे शोल्डर की हाइट तक कर लिया है। अगर आप एंडरसन की नॉन बॉलिंग आर्म ध्यान से देखें तो उनकी एल्बो ऊपर की तरफ पॉइंटेड है। ऐसा गेंदबाज जब करते हैं तो उनकी अपनी नॉन बॉलिंग आर्म ज़्यादा कंट्रोल में लानी हो या फिर हाथ जल्दी गिर जाता हो, जिस तरफ आपकी एल्बो पॉइंटेड होगी उसी तरफ आपका हाथ खुलता है। ऊपर की तरफ पॉइंटेड करने से हाथ भी ऊपर की तरफ ही खुलता है और आपकी नॉन बॉलिंग आर्म आपके कंट्रोल में रहती है। एंडरसन एक साइड ऑन बॉलर है, मतलब जब उनका बैकफुट लैंड करता है तो वो बिल्कुल क्रीज के पैरेलल रहता है। साइड ऑन बॉलर्स के कुछ और एग्जांपल्स हैं लाइक लोकी फर्गुसन, डेल स्टेन और ब्रेटली और शोएब अख्तर। आगे वाला पाँव पड़ जाने के बाद एंडरसन का फ्रंट फुट ब्लॉक रहता है जो उनको तेज गेंदबाजी करने में काफ़ी मदद करता है। बॉल डालते समय एंडरसन का बॉडी अलाइनमेंट काफ़ी अच्छा रहता है जो उनकी लाइन और लेंथ डालने में हेल्प करता है। किसी भी तेज गेंदबाज की अच्छी लाइन और लेंथ का राज उनके बॉडी अलाइनमेंट में ही छुपा हुआ होता है। इनका फॉलो थ्रू काफ़ी सुलझा और सीधा रहता है। बॉलिंग आर्म रोटेट होकर पूरी पीछे जाती है और एंडरसन अपनी नज़रें भी बैट्समैन की तरफ ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक का बटन दबाएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।